आ रहे थे बारबेडोस से फ्लाइट न्यूयॉर्क की, तो कल आपने फोटो भी देखा होगा वहां पे, दैट वाज अमेजिंग। रिंकू सिंह, खलील, बाकी इंडिया के कुछ स्पोर्टिंग स्टाफ के कुछ लोग मिले तो, और रिंकू से बोला कि यार बहुत कमाल का माशाल्लाह खेलते हो, 12-14 जो भी मैच खेले हैं, 176 का स्ट्राइक रेट आप कैसे मेंटेन कर लेते हैं। तो बस ही वाज सेइंग यार बस कोशिश करते हैं, मतलब कोई भी उसने ऐसा नहीं बोला, नहीं भाई मैं तो पता नहीं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ। ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, ही सेड बस मेहनत करते हैं बस हो जाता है लग जाता है। वेलकम्स वो डिजर्व करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला वो तब भी डिजर्व करते थे, जस्ट ट्रॉफी की वजह से नहीं कर सके, लेकिन अब ट्रॉफी को जिस तरह जीत के आए, आप देखें 8 बाई 8 का स्ट्रीक लगा के, टीम इंडिया बाकी डिजर्व करती है। आप देखें जैसे वो वहां पे भी उनको बड़ा वेलकम किया गया, फिर जब वापस आएंगे तो फिर एक बड़ा जिसे कहते हैं बिग वेलकम वो देखने को मिलेगा, और पूरा इंडिया जो है वो इस ट्रॉफी को उठाने और देखने के लिए बेताब बैठा हुआ है। लीजिए दोस्तों, बारबाडोस में एक्स्ट्रा स्टे के बाद अब आखिरकार टीम इंडिया पहुंच चुकी है अपने घर वर्ल्ड कप को समेटे हुए। बहुत चीयर्स हुआ, बहुत गजब का स्वागत हुआ भारतीय टीम का। इससे भी अच्छा होता क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे, वो कब तक इंतजार करते, कुछ लोग चले गए हैं, तो स्वागत में थोड़ा सा हल्का सा तो फीकापन था, लेकिन बहुत ही अच्छा स्वागत था। टीम इंडिया घर आकर चेहरे खिले हुए थे, परिवार से मिलेंगे और अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही वापस जाना है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज है, वो खेलने जाएगी टीम इंडिया। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी जनता मीडिया का कैसा रिएक्शन है भारत के, भारतीय टीम के भारत वापस आ जाने पर, भारतीय टीम के भारत में स्वागत पर। जी दोस्तों, तो जिस सफर का आगाज हुआ था पिछले महीने ऑलमोस्ट यही 3-4 तारीख के आसपास, वो एग्जैक्टली एक महीने के बाद, नाउ आई एम सिटिंग इन द एयरपोर्ट, बस अभी मेरी फ्लाइट है तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद, और फिर आई विल गो टू माई होम और मैनचेस्टर। बाकी भाई जब आ रहे थे बारबेडोस से फ्लाइट न्यूयॉर्क की, तो कल आपने फोटो भी देखा होगा वहाँ पे, दैट वॉज अमेजिंग। रिंकू सिंह, खलील, बाकी इंडिया के कुछ स्पोर्टिंग स्टाफ के कुछ लोग मिले तो बहुत बेहतरीन ज़रा गपशप रही, बिकॉज वी वर स्टैंडिंग इन द सेम क्यू, और बोर्डिंग पास के लिए वहाँ पे लाइन शाइन लगी हुई थी, तो तकरीबन काफ़ी 15-20-25 मिनट वहाँ पे खड़े रहे, और रिंकू से बातचीत हुई, खलील से बातचीत हुई, और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी डाउन टू अर्थ सॉर्ट ऑफ पीपल, बहुत बेहतरीन और शानदार इंटरेक्शन था। और फिर जब उनको बताया कि हम पाकिस्तान से हैं और हम और फिर ही वॉज सॉर्ट ऑफ बिट एक्साइटेड टू नो, हाँ जी कैसा है कैसे चल रहा है, और फिर उनको बेस्ट विशेस भी बोले कि आपका 100, मैंने कहा भाई आप तो 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये वाला रिवाज नहीं है, हमारे वाला 130-125-135 वाला है, और इफ्तिखार चचा नंबर 6 पे खेलते हैं 130 के, तो वो लाइक ही वाज सेइंग कि हाँ कुछ लड़के नए आ रहे हैं अच्छे, ओपनर लेफ्टी का क्या नाम है साइम अयूब, उसका नाम लिया, लेकिन मैंने बताया कि यार मौके तो मिल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रही। बहरहाल ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ सॉर्ट ऑफ पर्सन, खलील भी, लेकिन रिंकू से साथ थोड़ी ज़्यादा गपशप हुई। तो बाकी भी वर्ल्ड कप के हवाले से, फाइनल के हवाले से, वो जो एंड के मोमेंट्स हैं उस पर ज़रा गुफ्तगू हुई, और ऑब्वियसली दे वर सुपर प्राउड कि टीम ने जिस तरह जीता और शानदार। अब वो दोनों चूँकि इंडिया की टीम, तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो तो अभी रास्ते में है और पहुँच जाएगी शायद कि जब तक बाकी लोग, अभी आई डोंट नो पाकिस्तान इंडिया में अभी क्या और टाइमिंग है, तो जब आप देखेंगे ये वीडियो तो शायद तब तक वो पहुँच चुके होंगे। तो जो बाकी टीम है वो ग्लोरी के साथ सारी की सारी वापस जा रही है, गई हुई है, ऑन द वे है, दे विल रीच देयर। लेकिन अब ये रिंकू और खलील, इनका नाम उस स्क्वाड में आया हुआ कि जो टीम जानी है जिम्बाब्वे खेलनी है, बाकी तो प्लेस पहुंच गए वहाँ पे, लेकिन ये यूएई वगैरह से होते हुए फिर वहाँ से जिम्बाब्वे वगैरह जाएंगे या जो भी इनका रूट था, लेकिन उस वो फ्लाइट वो सेम ही थी, उसमें रिकी पॉन्टिंग वाज इन द सेम फ्लाइट, रॉबिन सिंह वो हमारे मतलब बचपन के टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती थी तो रॉबिन सिंह इंडियन ऑलराउंडर, लेफ्टी बॉलिंग बैटिंग, तो ही वॉज देयर, रिकी पॉन्टिंग, ये सब मतलब उसी फ्लाइट में हम आए बारबेडोस से न्यूयॉर्क तक। तो और रिंकू से बोला कि यार बहुत कमाल का माशाल्लाह खेलते हो, 12-14 जो भी मैच खेले हैं, 176 का स्ट्राइक रेट आप कैसे मेंटेन कर लेते हो। तो बस ही वाज सेइंग यार बस कोशिश करते हैं,
मतलब कोई भी उसने ऐसा नहीं बोला नहीं भाई मैं तो पता नहीं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ. ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ. बस मेहनत करते हैं बस हो जाता है लग जाता है बस हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं और मेहनत हम करते रहते हैं बाकी लग जाते हैं ऑन अ गुड डे चौके छक्के लग जाते हैं. अब हमारे वाले किसी का अगर देखो कि इतना 170-180 का स्ट्राइकेड हो तो भाईजान वो तो बस एटीट्यूड ही संभालने में ना आए. खलील से भी मैंने कहा यार आपकी भी बॉलिंग एक दो सालों में आईपीएल में मतलब ऐसा तो मैंने बोला कि एक दो मतलब आई सेट के दो तीन सालों में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो आप दिल्ली कैपिटल के लिए आईपीएल वगैरह में तो आपके लिए भी जाहिर है कि अभी आगे इंडिया में अच्छे अच्छे बॉलर आ रहे हैं और लेफ्ट आर्म अभी अर्शदीप ने जिस तरह बॉलिंग की सो यूर ऑल्सो उसका तो डेब्यू काफ़ी अर्सा पहले भी हुआ इंडिया से उससे ज़्यादा बातचीत हुई. और फिर क्योंकि एयरपोर्ट में ज़्यादातर तो फैंस वही थे जो स्टारिस स्टक थे जो दे वर गोइंग बैक और जो एक दो दिन की फ्लाइट कैंसिल थी तो काफ़ी इंडियन फिर जो क्रिकेट के फैंस थे काफ़ी तो फ्लाई आउट कर चुके थे बिफोर के ये सारा तूफान वगैरह आया उससे पहले पहले ही फ्लाई आउट करके थे. लेकिन जो थे और जो उस फ्लाइट्स में थे और रिंकू सिंह लाइक ही वॉज मोर और लेस जितने भी लोग थे सबके साथ बातचीत और फोटोज एंड सेल्फीज और ही वॉज लुकिंग यू नो आई यार देखो जब आईपीएल बंदा खेलता है जब लाइमलाइट में आता है टीम इंडिया के लिए भी अब वो खेलता है पांच छक्के से उससे मकबूलियत हासिल की ही वॉज अमेजिंग. लेकिन मोर और लेस सारे लोगों के साथ कोई लोग तो फिर अपने घर में फ़ोन करके बता रहे थे कि आप रिंकू से बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे पापा से बात करो मेरी मम्मी चाहती है बात करना उनसे बात करो फैमिली के कोई मेरे दादा आपके फ़ैन है तो ही वॉज मोर लेस वॉज टॉकिंग विद ऑल ऑफ दम फ़ोन पे. अब बंदा तो बोले यार चलो ठीक है आपसे मुलाकात होगी या फ़ोन पे और वो भी फिर लंबी लंबी वो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो अब उसने ऐसा नहीं बोला कि यार ये क्या मैं फंस गया. ही वॉज इंजॉइंग एंड ही वॉज यू नो वेरी फ्रेंडली विद ऑल ऑफ देम वेलकम्स. वो डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला वो तब भी डिजर्व करते थे जस्ट ट्रॉफी की वजह से नहीं कर सके लेकिन अब ट्रॉफी को जिस तरह जीत के आए आप देखें 8-8 का स्ट्रीक लगा के और तमाम साइड बड़ी साइड्स को जैसे देखें पाकिस्तान को हराया ऑस्ट्रेलिया को हराया साउथ अफ्रीका को हराया इंग्लैंड को हराया तो भाई वो ऐसा वेलकम डिजर्व करते हैं. और आप देखिएगा कि कल इंडिया में समा कैसा था भाई 100 मुंबई की अगर आबादी की बात करें तो 10-15 करोड़ तो होगी 25 करोड़ पाकिस्तान जितना वो शहर है तो भाई कल फिर मैं कहता हूँ सील पैक स्टेडियम हो जाएगी रोड जिस तरीके से वहां आएगी रोहित की एक झलक विराट की एक झलक और स्पेशली वो ट्रॉफी जो ट्रॉफी है उसकी एक झलक देखने के लिए इंडियन वाम तरस गई थी. 11 साल उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी का वेट किया 17 साल T20 ट्रॉफी का वेट किया तो भाई नो डाउट ऐसी सेलिब्रेशन बनती है. जश्न है उनके लिए खुशी की घड़ियां हैं जितना भी वो जश्न मनाए उतना कम है. मैं यहाँ पे टीम इंडिया की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. टीम इंडिया बाकी डिजर्व करती है. आप देखिए जैसे वो वहां पे भी उनको बड़ा वेलकम किया गया फिर जब वापस आएंगे तो फिर एक बड़ा जिसे कहते हैं बिग वेलकम वो देखने को मिलेगा और पूरा इंडिया जो है वो इस ट्रॉफी को उठाने और देखने के लिए बेताब बैठा हुआ है. और जब तक क्योंकि अभी तक लोग टीवी में देख रहे हैं और जब आप फिजिकली देखेंगे तो हर किसी की मूवमेंट और हर किसी का जो है वो अंदाज डिफरेंट होगा. वालेकुम सलाम सर बात करेंगे भारतीय टीम की जो कि कल सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और खेलेंगे वहां पर एक ग्रैंड सेरेमनी उनको दी जाएगी. लोग बहुत खुश कह लेंगे अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे. फिर कह लेंगे एक बड़ी ग्रैंड बस हैपनिंग देखने को मिलने वाली है मुंबई सिटी के अंदर जहाँ पर प्लेयर्स बैठेंगे उस बस के ऊपर और क्राउड इर्गिर्द होगा. क्या कहना चाहते हैं कि भाई भारत के अंदर एक ट्रॉफी लिफ्ट करने पर 17 साल ट्रॉफी लिफ्ट की और इतने बड़े बड़े ग्रैंड वेलकम्स मिल रहे हैं इंडिया को. भाई देखें ग्रैंड वेलकम्स वो डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला वो तब भी डिजर्व करते थे जस्ट ट्रॉफी की वजह से नहीं कर सके लेकिन अब ट्रॉफी को जिस तरह जीत के आए आप देखें 8-8 का स्ट्रीक लगा के और तमाम साइड बड़ी साइड्स को जैसे देखें पाकिस्तान को हराया ऑस्ट्रेलिया को हराया साउथ अफ्रीका को हराया इंग्लैंड को हराया तो भाई वो ऐसा वेलकम डिजर्व करते हैं. और आप देखिएगा कि कल इंडिया में समा कैसा था भाई 100 मुंबई की अगर आबादी की बात करें तो 10-15 करोड़ तो होगी 25 करोड़ पाकिस्तान जितना वो शहर है तो भाई कल फिर मैं कहता हूँ सील पैक स्टेडियम हो जाएगी रोड जिस तरीके से वहां आएगी रोहित की एक झलक विराट की एक झलक और स्पेशली वो ट्रॉफी जो ट्रॉफी है उसकी एक झलक देखने के लिए इंडियन वाम तरस गई थी 11 साल उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी का वेट किया. तो दोस्तों ये है कहानी जैसा कि अभी बताया अभी टीम इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचों की एक सीरीज है उसके लिए टीम रवाना होगी बड़ी जल्दी ही परसों ही है मैचेस तो आई थिंक कि आज ही रवाना होगा शाम को ऐसा कुछ सीन होने वाला है. अभी तक किसी प्रकार की कोई कन्फर्मेशन कोई न्यूज़ तो नहीं है कि कब निकलेगी टीम इंडिया लेकिन जिम्बाब्वे के साथ अभी सीरीज होगी और विश्व कप भारत आ गया है बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं. अभी तक लोग जो हैं उमड़ घुमड़ कर जश्न मनाए जा रहे हैं. इवेंट ही इतना बड़ा था भाई कप ही इतना बड़ा है
होना चाहिए जोरदार स्वागत। तो अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।